नारायण। शंख बजाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, विशेष रूप से हमारे श्वास श्वसन नलियों में सुधार होता है और हमारे श्वास लेने की शक्ति में बहुत सुधार होता है। मांसपेशियां मजबूत होती है, चेहरे की पड़ी हुई झुर्रियां कम हो जाती है आदि आदि, और कैल्शियम इसमें सुपर पावर होता है। तो ये सारे फायदे हैं, पर आप क्या जानते हैं शंख किसे बजाना चाहिए और किसे नहीं बजाना चाहिए? शंख बजाने से सबसे विशेष रूप से आपको बताता हूँ, ब्रह्मवर्च ब्रह्म तेज भी बढ़ता है। परंतु शंख किन्हें नहीं बजाना चाहिए ये आप पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, सुनिएगा और आप एंड तक जाकर के मुझे वापस जयकारा भी लिख लीजिएगा, जय पुष्कराज के लिख लीजिएगा। शंख किन्हें नहीं बजाना चाहिए ये विशेष रूप से आप सुन लें, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। गृहिणियाँ जिनका विवाह हुआ है, विवाह से लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु तक उन्हें शंख नहीं बजाना चाहिए। इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम उन्हें संतान उत्पत्ति में हो सकता है, तो ये विशेष रूप से ध्यान दें माताएं और बहनें, शंख उन्हें कभी भी नहीं बजाना चाहिए। 50 के बाद में वे बजा सकती है, संन्यासिनियाँ वे बजा सकती हैं, बट गृहिणियों को कदापि नहीं बजाना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के कई अलग अलग इंटरेस्टिंग वीडियोज जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आपका कमेंट जरूर आना चाहिए इस जानकारी के बारे में। इसी प्रकार के कई स्तोत्र, कई जानकारियाँ, कई पाठ, कई कवच हमारे इस चैनल पर आपके लिए आपकी सेवा में उपलब्ध है, उनका भी आनंद लीजिएगा। पुष्कर अगर आप आ रहे हैं तो पुष्कर के प्रधान वराह घाट पर हमारा रघुनाथ जी महाराज का मंदिर है, वहीं से मैं सेवा करता हूँ, और शाम को पुष्कराज की आरती हमारे इसी मंदिर से होती है, तो वहाँ पर आप अवश्य मुझसे मिलेगा अगर आप पुष्कर आ रहे हैं तो। ध्यान रखिएगा, जय श्रीमन नारायण, जय पुष्कराज की।